जैसे एक बड़ा पॉपुलर है एक लाइन, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, अगर हम यहां पर लिखें, फोटो सिंथेसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि सिंथेसिस सिंथेसिस बाई यूजिंग लाइट। तो एक बहुत पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते थे शायद ऐसे, CO2 प्लस वाटर इज कन्वर्टेड इंटू CH2O का होल एन प्लस O2। क्लियर, यही लाइन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते थे। और यहां पर हम लिख रहे हैं ऐसे, सनलाइट मीन्स एच न्यू प्लस ग्रीन पिगमेंट, जैसे मैम अभी आप बोल रही हो, प्लस ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट अपने आप में सफिशियंट है जो बता रहा है कि इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। CO2 जो है, या हम पहले ऐसे लिखें कि वाटर जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। बताता हूं मैं भी आपको कैसे हो रही है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हम लोग बोल, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पर हम लिख रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, क्योंकि यही वाला इलेक्ट्रॉन जो वहां से आया है वो इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब होगा, इसलिए हम बोलते हैं CO2 का रिडक्शन होगा। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कपल्ड होता है, इसीलिए हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझ पा रहे हैं आप मुझे? मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि इस पे, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे थे कि जैसे वाटर की स्प्लिटिंग होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन जो होगा वो रिड्यूस होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो कार्बन का रिडक्शन होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बातें कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है। मैंने लिखा कि इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, आप लिखेंगे जरा एक लाइन, फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड CO2 इज रिड्यूस्ड। इन विच वाटर इज ऑक्सीडाइज एंड CO2 इज रिड्यूस्ड। क्लियर है ये लाइन? नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें ऐसे, ये जो है ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनऑर्गेनिक स्मॉलर मॉलिक्यूल फ्रेंड्स, ये इनऑर्गेनिक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कन्वर्ट होते हैं लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। इनऑर्गेनिक स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट लाइन इज फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा था, इसमें आप देख रहे हैं कि लाइट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और लाइट आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में लाइट एब्जॉर्ब किया जा रहा है। किसी भी प्रोसेस में, बायोकेमिकल प्रोसेस में, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अल्टीमेटली आइए एक डेफिनेशन लिखा जाए, एक डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग
लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच स्मॉलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अंडर ब्रैकेट प्लीज CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू, CO2 एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इनटू लार्जर लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या लिखा आपने? लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अंडर ब्रैकेट करके लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट थ्रू द वेरियस एंजाइमेटिक मशीनरी, थ्रू द वेरियस एंजाइमेटिक मशीनरी, वेरियस एंजाइमेटिक मशीनरी। वेरियस एंजाइमेटिक मशीनरी द एक्टिविटी ऑफ एंजाइमेटिक मशीनरी इज रेगुलेटेड बाई, एक्टिविटी ऑफ एंजाइमेटिक मशीनरी इज रेगुलेटेड बाई, रेगुलेटेड बाई लाइट, लाइट डायरेक्टली, रेगुलेटेड बाई लाइट डायरेक्टली अंडर ब्रैकेट करके लिखेंगे, इन 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 लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन डार्क रिएक्शन, इनडायरेक्टली इन डार्क रिएक्शन। क्या लिखा हम लोगों ने? इनडायरेक्टली इन डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन, वर्षा मलिक, एक मिनट, वर्षा अब क्लियर है? जी सर। है ना, हम लोगों ने लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट फॉलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट फॉलो इट सेकेंड लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ इज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द, लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ इज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द, अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम, एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम सन। एनर्जी, सर हाँ बोलिए सर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? कैसे पहचानते हैं कि ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है? फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक को हम लोग बोलते थे, अगर आपको हिंदी में आइडिया हो तो हम लोग बोलते थे कार्बनिक, मतलब जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग मेनली ऑर्गेनिक के फॉर्म में बोलते हैं। बाकी कार्बन किसी दूसरे के साथ जुड़ा होता है तो हम उसको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है क्योंकि CO2 है, लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग देख रहे थे यहां पर दूसरी कंडीशन में कि वहां पर जो कार्बन है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो गया है, और अगर कार्बन हाइड्रेटेड फॉर्म में हो गया तो हम लोग इसको बोल रहे थे कि ये जो है ये आपका ऑर्गेनिक फॉर्म में हो गया है। ओके ओके सर।
हाँ, तो ये है आपका इनऑर्गेनिक और ये था आपका ऑर्गेनिक। बस इतनी सी कहानी है। हाइड्रेशन से अगर कार्बन हाइड्रेटेड है, जैसे हम लिपिड पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं लिपिड में CH3 लंबा सा CH2 का चेन बनाते हैं, फिर लिखते हैं COO-। तो ये चेन होने की वजह से हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ये हो गया आपके लिपिड के साथ की स्टोरी। और कार्बोहाइड्रेट आप जब भी पढ़ते हैं तो आप ऐसे पढ़ते थे, ऐसे जैसे अगर हम यहाँ पर C6 लिखे तो इसका H12 हो जाएगा, फिर वो 6 हो गया, ये कार्बनिक हो गया, हाइड्रेटेड है। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स कि ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है, कार्बनिक नेचर का होता है। तो लिखेंगे लाइफ ऑन द अर्थ इज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन। सन फुल स्टॉप। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली फोटोसिंथेसिस इज द ओनली फिजिको केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, बेहतर होगा लिखेंगे दैट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इंटू बायोकेमिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहां पे एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा उसके रिगार्डिंग बातें करना है, क्योंकि आज तो फोटोसिंथेसिस बड़ा ही नोन हो गया, बहुत सारी चीजें अभी भी आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था, सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, दैट इज साइंटिस्ट का जो नाम है वो है आपके जोसेफ प्रिस्टिले। जोसेफ प्रिस्टिले एक्सपेरिमेंट, इन्होंने यहां पर हम लोगों को पढ़ना है कि दो जार लिया ऐसे, सेम सेटअप लगाया दोनों में, पहले मैं जार बना दूं फिर मैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आपको दिखाता हूं कि इन्होंने क्या क्या लिया, शायद आपने पढ़ा भी हो। इस जार में इन्होंने फर्स्ट वाले सेटअप में प्लांट लग रखा, दूसरे वाले सेटअप में प्लांट नहीं रखा। तो दोनों वाले सेटअप में हम लोग पहले प्लांट रखते हैं ऐसे, इस वाले सेटअप में प्लांट नहीं है। देन जो नेक्स्ट इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था अपनी कैंडल, बर्निंग कैंडल, और यहां पर भी हम कैंडल बनाएंगे ऐसे। कुछ इस तरह से यहां पर भी इन्होंने कैंडल रखा, यहां पर हम कैंडल बनाएंगे लेकिन बुझी हुई कैंडल बनाएंगे ऐसे, कुछ इस तरह से। फिर इन्होंने यहां पर माइस लिया, इधर जैसे माइस है वैसे ही माइस को रखना है, इस केस में भी इन्होंने माइस लिया। तो थोड़ा देर बाद इन्होंने ऑब्जर्व करा कि माइस की डेथ हो गई, और इन्होंने बोला यहां पे एक लाइन कि डेथ ऑफ माइस इज ड्यू टू सफोकेशन। जरा आप बनाएंगे फिर मैं आपको लिखाता हूं। डेथ ऑफ माइस इज ड्यू टू सफोकेशन।
हो गया कंप्लीट? यहाँ पे लिखना है, मैंने लिखा नहीं था। आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम हो गया कंप्लीट? सर ओके। यहां पर फ्रेंड्स इनका कंक्लूजन हम लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कंक्लूजन ऑटोमेटिकली आप जरा एक बार ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स। अगर माइस ब्रीदिंग करेगा तो कौन सी गैस रिलीज करेगा? CO2। सर कैंडल की बर्निंग होगी तो भी क्या रिलीज होगा? CO2। और अब आप देखेंगे अगर यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज होगा? O2, है ना? फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज होगा? O2। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर फोटोसिंथेसिस से O2 रिलीज हो रहा है तो ये O2 अगर होगा तो माइस इससे ब्रीदिंग भी कर लेगा और ये O2 बर्निंग के लिए हेल्पफुल भी होगा। क्लियर? और प्लांट जो है ये CO2 को यूज कर लेगा फोटोसिंथेसिस में। तो इस वाले प्रोसेस में जो O2 रिलीज हो रहा है वो ये दोनों यूज कर रहे हैं और जो CO2 रिलीज हो रहा है वो प्लांट यूज कर रहा है। तो टोटल गैसियस जो एक्सचेंज का प्रोसेस था वो नॉर्मल रहा। यहां पर यही लाइन हम लोगों को देखना है कि आप देखेंगे जरा यहां पे ध्यान से कि सपोज करिए ये जो रिलीज कर रहा है CO2 या यहां से जो CO2 आ रहा है ये दोनों CO2 प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस वाले कंडीशन में सारी कंडीशन सिचुएशन नॉर्मल थी, लेकिन कैंडल अगर बर्न होगा इस कंडीशन में तो CO2 रिलीज होगा, ये भी CO2 रिलीज करेगा। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स CO2 का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बोलिए। यस हेलो। अगर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और O2 डिप्लेट हो जाएगा तो ब्रीदिंग रुक जाएगी और बर्निंग भी नहीं हो पाएगा, इस वजह से माइस का डेथ हो गया। तो इनका जो कंक्लूजन था वो बस इतना था। मैं यहां पर अगर लिखूं तो मैं एक लाइन लिखना है, ही स्टेट्स दैट दैट प्लांट कन्वर्ट इम्प्योर एयर इंटू प्योर एयर। सही है। इन्होंने इम्प्योर के रिस्पेक्ट में बात किया था CO2 का और प्योर मीन्स था O2, तो इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने बातें किया कि प्लांट जो होते हैं वो इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट कर देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको।